एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में दरिद्र योग कैसे बढ़ता है और उसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हम देखते हैं जातक की कुंडलियों को कि बहुत कुछ अच्छा चलता है और एक बार फिर एकदम से बहुत कुछ खराब हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि दशाएं, महादशाएं जो है, अंतरदशा है, वो जब अच्छे ग्रहों की थी, योग कारक ग्रहों की थी, तो आपका बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु जब आपने देखा कि आपकी कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है और उसके ग्रहों की जब दशाएं, अंतरदशाएं आती है, तो जातक का जो भी व्यवसाय आदि में उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपको कुंडली विश्लेषण के द्वारा ही मालूम हो सकता है। इसके लिए आपको देखना है कि अगर आपकी कुंडली में धन भाव है और धन भाव का स्वामी अगर छठे भाव, आठवें भाव में हो और उस पे पापी ग्रह शनि राहु केतु का प्रभाव होगा तो दरिद्र योग बन जाता है। इसलिए चतुर्थ से चतुर्थ स्थान जैसा आठवां भाव है, उसपे भी अगर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक का दरिद्र योग बनता है। इसलिए आपको देखना चाहिए कि जब भी इस तरह के ग्रहों की जब दशा, अंतरदशा चलेगी और इस तरह का संबंध बन रहा है, तो आपको परेशानियां हो सकती है, धन का आवागमन आपका कम हो सकता है। धन भाव का स्वामी छठे, आठवें, बारहवें भाव में हो और केंद्र में शनि मंगल की युति हो तो भी दरिद्र योग बनता है। चंद्र से भी छठे, आठवें भाव में पापी ग्रहों की स्थिति होगी तो भी दरिद्र योग बनता है। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आएगा तो भी दरिद्र योग बनता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा के पहले ही जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में इस तरह के योग बने हैं और जब इनकी दशाएं आएंगी, अंतरदशाएं आएंगी, तो हमें इन चीजों का प्रॉब्लम होगा। हमारे को अनायास जो पैसे जा सकती है, संपत्ति, लोन, कर्जे वगैरह में जा सकती है। तो इसके लिए सरल सरल उपाय यह है कि आपको घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया है कि भोजन के पहले गाय, कुत्ते, कौवे की रोटी निकालना चाहिए, जिससे कि हमारी आर्थिक समस्याओं के जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर आप अपनी तिजोरी है उसमें नौ लक्ष्मी कारक कौड़ियां और एक तांबे का सिक्का रखने से भी धन हमेशा बना रहता है। केले का भी उपाय जो है वो ऐसा है कि आपको केले का पेड़ अगर आपके यहाँ है या आजू बाजू है तो आप अपने गार्डन में अगर लगा है तो को जल अर्पित कीजिए और घी का दीपक लगाइए। शनिवार को शनि की चीजों का, जो शनि अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, शनि ग्रह के कारण आपको इस तरह की समस्या आ रही है, तो शनि ग्रह के उपाय करना चाहिए जिससे कि शनि ग्रह शांत हो सके। इसी तरह से पापी ग्रह जो है, राहु केतु है, उनके भी उपाय करना चाहिए। और इसके वास्तु के हिसाब से भी अगर आप देखें, घर के पास अगर बिजली का बड़ा खंबा है उससे भी निगेटिव एनर्जी आती है, उसको आप ठीक कीजिए। टी पॉइंट पर घर होने से भी प्रॉब्लम आती है तो उसका भी वास्तु के द्वारा उपाय कीजिए। घर के बाहर में नजर दोष का मुखौटा जरूर लगाइए। इस तरह से घर में ऐसे महाभारत आदि के पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर मंदिर में गंगा जल, मोर पंख आदि रखना चाहिए। घर के दरवाजे के ऊपर गणेश जी की मूर्ति जरूर लगाएं। उनके दाहिने सुंड वाले गणपति की स्थापना करें। तो इस तरह से निगेटिविटी भी कम करना चाहिए। घर में अगर नल भी टपकता रहता है वो भी एक वास्तु के हिसाब से खराब प्रभाव है। तो इस तरह से हमने जाना कि कुंडली में जो भी ग्रह हमें
इस तरह की परेशानियां दे रहे हैं उनका हमें जप करके दान दे के उनके प्रभाव को कम करना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हंसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर 9893234239 है। अगर आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।